मुख्यालय पर कांग्रेस के एकमात्र विधायक अजय टंडन के पास पहुंचकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षा विभाग में पदस्थ समस्त कर्मचारियों ने पेंशन एवं पदोन्नति क्रमोन्नति की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला संयोजक हरीश अहिरवार, विपिन चौबे, यशवंती महोबे एवं दमोह ब्लॉक अध्यक्ष सुरेन चौबे ने दमोह विधायक अजय टंडन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी बात रखी। विधायक अजय टंडन के पास पहुंचे सभी लोगों ने 7 मार्च से शुरू होने वाली विधानसभा में सरकार के समक्ष उनका यह मांग पत्र रखने का अनुरोध भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। आंध्र प्रदेश में 15 किलोमीटर रैली थी जिसमें 22 लाख कर्मचारी थे, और मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, उसी दिन हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन रखा था और जिसमें 3 लाख कर्मचारी विभिन्न भागों के कम से कम हम लोग 3 महीने से ताकत लगा रहे थे। हम लोगों को अनुमति सरकार ने दे दी थी जम्मू में, जब CBI से और जब LIB से रिपोर्ट पहुंची कि मध्य प्रदेश में 3 लाख कर्मचारी स्वराष्ट्र को कुचलने आ रहे हैं, तो उन्होंने 2 दिन पहले पूरा हमारा टेंट हाउस में मशीन से पूरे कलेक्टर को DO को आदेश कर दिया कि एक एक शिक्षक को पकड़ो, कोई भी जा ना पाए और उनको निलंबन की कार्रवाई करी जाए। तो हमारा जो प्रांताध्यक्ष था और अमला था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 22-23 तारीख को हम लोगों को मैसेज गए, हम लोगों ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। हमारा प्रांताध्यक्ष ने फिर से 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, जिसने संविधान बनाया और जिसने सबको समानता का अधिकार दिया, उसी समानता के अधिकार को लेकर फिर हम भोपाल में किसानों ने जैसे आंदोलन किया, अब हमारा टेंट नहीं होगा, स्थान नहीं होगा, अब हम उन्हीं की तर्ज पर जैसे किसानों ने एक बहुत लंबी लड़ाई हिंदुस्तान में 13 महीने में लड़ी हो जी बॉर्डर पर उसी बॉर्डर पर हम लाल घाटी पे 7 रोड, उन्हीं 7 रोडों पे हम करीब करीब 3 लाख की संख्या में अलग अलग हम लोग जाएंगे, अलग 7 रोडों में 25-25 हज़ार की संख्या में बढ़ जाएंगे और सुबह हम 12 बजे पूरी चक्का जाम भोपाल की सड़कों कर देंगे। ये हम 24 अप्रैल 2022 डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर कर रहे हैं जी, उसमें हम मध्य प्रदेश के 16 जिले नाप चुके हैं और हमारे प्रांत अध्यक्ष की टीम पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में दौरा कर रही है। उसी हिसाब में कहा था कि मैं देर रात से पहुंचूंगा, अब इसमें करना क्या है अपने लेटर पैड पे एक चिट्ठी बना के मुख्यमंत्री जी को देनी हो और एक चिट्ठी की प्रतिलिपि हमारे अध्यक्ष को देनी है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 180 विधायकों से चिट्ठी लिखवानी है और जो सारी चिट्ठी लेके हम माननीय प्रधानमंत्री जब हम लोग इसको पहुँचा रहे हैं, मुख्यमंत्री तक जा ही रही है विधानसभा में, इसकी आप बात रखें। विधानसभा हमारी है अभी 7 तारीख आ रहा है, आ रहा है ना, उसमें डे फिक्स होते हैं कब कौन सा क्वेश्चन लगेगा। 5 मिनट में विधानसभा में लगाएंगे, उसका सरकार ने क्या उत्तर दिया वो हम आपको बताएंगे और जो अच्छे से अच्छा होगा उस पर हम कार्रवाई कराएंगे, ध्यान प्रश्न लाएंगे, विषय वस्तु पे लाएंगे। ये बहुत पुराना मामला जी, अभी केवल सब हिंदुस्तान के अंदर केवल पश्चिम बंगाल की सरकार, केवल पश्चिम बंगाल की सरकार दे रही है। अभी केजरीवाल ने घोषणा की थी लेकिन केजरीवाल दे तो रहे हैं लेकिन 12-12, 15-15 हज़ार लेकिन 2-3 राज्यों में शुरू हो गए। अपन अपने मध्य प्रदेश की कटोरा लेके क्या होगा, चलो तुम जिंदा रहे, तुम्हारे लड़कों की अनुकंपा नियुक्ति तो लग नहीं सकती, हमारा क्या होगा, यानी इनका क्या होगा जो नौकरी और पूरी सेवाएं। तो कहा हमें मरका देखना पड़ के अनुकंपा मिल रही क्या नहीं मिल रही है, और क्या 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 कटोरा लेकर के भैया आप खा कर भैया 500 रुपया पेंशन मिल रही, जो का फाड़ ले जी बिस्कुट नहीं खा सकते हैं, बताओ आप 500 रुपया में तो इस महंगाई में थैला लेकर जाओ तो सब्जी नहीं आती एक दिन का खाना। हम लोग आपको विश्वास दिला रहे हैं पूरे का जिला कर्मचारी संगठन आपके साथ है। हां नहीं वो तो है, अपना आशीर्वाद है और सुन कर आए, हां तो बता रहा है जी, वो तो बता रहा है कि आप सब साथ में हम लोग कितने से लोग हैं 24-25 गिनती का, बाकी तो सब आप ही हो ना। अगर सरकार नहीं चाहती इनकम पर नियुक्ति नहीं दे रही तो फिर इनके परिवार का होगा क्या, सही बात तो बिखर जाएगा, आपने हमसे काम तो ले लिया ठीक है ना, और इसमें जिस स्थिति में आपको काम करना चाहिए ना उस स्थिति में आदमी फिर काम नहीं कर पाता, उसको अपने बच्चों का भी तो भविष्य देखना है, तो ये पॉइंट जो है ना
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सब ठीक हो, पेंशन नहीं दूंगी, चलो हम जिंदा हैं, हम नहीं मरे। अनुकंपा नियुक्ति को कंटेस्ट का भाषण समझो, अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत नहीं है, अब पेंशन ही नहीं है, हमने आपके यहाँ नौकरी की है, अब हमारा अब हम खर्चा कैसे चलाएं? तो ये आपके जो मुद्दे हैं ना, ये सब जिनाइन है। ऐसे समय में जब तनख्वाह ही बिल्कुल न्यूनतम थी, न्यूनतम पे का काम कर रहा है। अब आप जरा थोड़ा हमको इस बारे में समझ, हम विधानसभा में लगाए थे।